सोनी टीवी के सीरियल काव्या एक जज्बा एक जुनून में आने वाला है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। होती है एक रैली जहां पर एक इवेंट पर अधिराज प्रधान को इलेक्शन से पहले स्पीच देते हुए देखा जाता है, जबकि वहां पर अधिराज को नहीं विक्की को अपनी स्पीच देनी थी। ये देखकर काव्या काफी ज्यादा शॉक्ड रह जाती है और वो देखती है कि अधिराज जो भी बोल रहा है वो सब कुछ विक्की ने बोलना था। अधिराज यहाँ पर विमेन सिक्योरिटी की बात कर रहा होता है और फिर काव्या जाकर विक्की को कन्फ्रंट करती है कि अधिराज उसकी जगह पर स्पीच कैसे दे रहा है। काव्या को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो विक्की को बोलती है कि अगर अधिराज ने उसे ब्लैकमेल किया है तो वो अभी के अभी पुलिस कंप्लेंट फाइल करेगी। जैसे ही वो फोन करने लगती है पुलिस वालों को, विक्की उसे रोक देता है। विक्की उसे समझाता है कि उसने अपनी मर्जी से अधिराज को यहाँ पर स्पीच देने दी है। तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। हम आपको बता दें, आने वाले एपिसोड में जो बड़ा ट्विस्ट आने वाला है वो ये है कि अधिराज की जो माँ है मालिनी, उन्हें गोली लग जाएगी। इसी इवेंट के दौरान जहाँ पर अधिराज स्पीच दे रहा होता है, कोई गोली चला देता है और वो गोली अधिराज की माँ मालिनी को लग जाती है। काव्या और अधिराज को, दोनों को ही इस बात से बहुत ज्यादा अफेक्ट होने वाला है क्योंकि दोनों ही मालिनी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तो क्या ये वही पहला स्टेप है अधिराज और काव्या का एक होने का? क्योंकि इस महीने के एंड तक इस शो को रैप किया जाएगा 27 सितंबर को, तो काव्या और अधिराज को हैप्पी एंडिंग तो देनी ही है।